विनीता के हस्बैंड है जी मैम। आपका क्या नाम है? विकास कुमार मैम। विकास, विनीता आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से मैम। कानपुर से। ये विनीता को क्या दिक्कत हो गई थी? मैम इनका अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें पहले गॉल ब्लैडर में बताई थी, सूजन बताई थी स्टोन में, उसमें किडनी में जी, उसमें 9 mm की किडनी बताई, स्टोन बताई थी किडनी में और सूजन हुई थी सोइलिंग हुई। तो डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इमरजेंसी में जी, जी, तो जी, हमने बोला कि हमारे डॉक्टर साहब हैं बरेली में, पहले एक बार उनसे दिखा लेते हैं जी। उसने बोला कि 10 दिन बाद आपको 10 दिन का टाइम, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो आपका गुर्दा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। अच्छा, तो अच्छा। तो उसके बाद मैंने इनको वहाँ से सीधा लेके आया, इससे पहले मेरे को हुई थी स्टोन, 5 stone थी, तो मैं पहले आपके पास आया था, आपको इलाज लिया तो मैं ठीक हो गया था जी, जी, मेरे जी, में 8 mm की थी, 6 mm की थी, 3 mm की भी थी, 2 5 mm की थी, तो मेरे 5 निकल गई थी। उसके बाद इनको मैं आपके पास लेके आ गया जी, जी, तो आपके पास इलाज कराया तो अभी तक ठीक है, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ पहले ठीक हो गई जी। जी जी, 9 mm का लेफ्ट किडनी में स्टोन आया हुआ था, सूजन भी थी, हाइड्रोनेफ्रोसिस आई हुई थी, आपको तकलीफ भी बहुत हो रही थी है ना? नहीं था मेन था, तकलीफ भी बहुत, तकलीफ बहुत, दर्द बहुत था, ऑपरेशन बोल दिया था 10 दिन का टाइम था इनके पास, 10 दिन के बाद आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो आप ज्यादा परेशान होंगे, गुर्दा खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब हो जाएगा, ऐसा उन्हें आपके रिपोर्ट को देख कर उन्हें लगा था। आपके पास वो वाली रिपोर्ट है किडनी स्टोन वाली जी, आपका वही कानपुर और सूजन भी आई हुई है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी था और आपको तकलीफ भी बहुत हो रही थी। फिर आप लोगों ने, उन्होंने कहा दिया था 10 days में ऑपरेशन करा दीजिए नहीं तो गुर्दा खराब हो जाएगा। आप लोग फिर वहाँ ना करके सीधे यहीं आ गए थे, 11 को वहाँ से इधर आ गए थे, तो 12 को आपको दिखा लिया दवाई ले थी 12 तारीख को, 12 को ले लिया था जब तूने दवाई शुरू करी विनीता, तो उस समय आपको थोड़ा सुकून मिलना शुरू हो गया था, कैसे लग रहा था? दवाई 2 दिन बाद से आराम मिल गया था, थोड़ा रिलीफ मिलने लग गया था आपको है ना? और फिर अब आप लोगों को वापस, आप 1 महीना रुके भी रहे हैं बरेली, 15 दिन जी जी जी, 15 दिन की दवाई ली, फिर उसके बाद फिर 15 दिन की ली, आप लोग यहीं रुके, अब इन्हें वापस अपने कानपुर अपना जॉब करते हैं जाना है। तो आज 5 फरवरी को इन लोगों को निकलना था, तो जाने से पहले इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है, तो इन्होंने अभी फिर से, एक तो पहले विनीता आपकी भी तबीयत ठीक है, आपको भी स्टोन का कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं, और इनकी पथरी 9 mm की जो यूरेटर में थी ना वो आई है, और मैंने अंडरलाइन करा हुआ है उसमें कोई सूजन भी नहीं आई हुई है, सूजन से भी आपको आराम मिला है और पेन भी नहीं है, पहले से काफी स्वस्थ, पहले पेन भी काफी ज्यादा था, पहले तकलीफ भी हो रही थी और उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बहुत अभी 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 आप लोगों का बेबी भी हुआ है तो थोड़ा और वीकनेस तो होती है शरीर में, और लेकिन विनीता को बहुत आराम मिला है ना? आपके हस्बैंड के वजह से आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है ना, नहीं तो कोई भी इतना तो नहीं कोई रिस्क ले पाता है। पहले आप बताओ विनीता, तुझे होम्योपैथी में तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत जल्दी ठीक हो गई मैं तो टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं ऑपरेशन होगा क्या होगा, होता है अभी भी, मुझसे भी दोबारा सूजन तो नहीं है पथरी नहीं है तो कोई नहीं, और आपने देखा आपका अपने में भी आपका मैंने मेरे 5 stone पहले में पहले से यकीन था, इसीलिए मैं आया आए थे और उसके बाद इसको भी लेके आया, पहले वहां चलते हैं वहां देखेंगे, उसके बाद कोई दवाई लेंगे, दवाई मैंने वहां से भी नहीं ली, उन्होंने लिखी थी दवाई दी थी डेट आया, तो ऐसे ऐसे रिकमेंड एक भी नहीं लेना, पर डॉक्टर साहब पास चलो वहीं दिखाएंगे। नहीं नहीं, आपका होम्योपैथी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने देखा? बहुत अच्छा मैम, मैंने ली थी दवाई तो मेरे 5 stone थे, मेरे 2 महीने के अंदर 5 stone गायब हो गए थे, बताइए है ना, इसने और भी आपसे जल्दी काम करा, इसने 1 महीना भी नहीं दिया मुझे नहीं, आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, बहुत बहुत बधाई। अगर बीमारी को जड़ों से पकड़ लो, उन्होंने भी पूरी केस टेकिंग के समय पूरा कोऑपरेट करा था, सारी केस टेकिंग पूरे अच्छे से समझाई थी, और अगर उसको सही से लक्षणों के आधार पे अगर हम अपना काम करना शुरू करें तो सबसे पहले मरीज को आराम मिलना शुरू होता है ना, उसको भी थोड़ा अपना यूरिन में और आपके पेन में सब में रिलीफ आया होगा,
फिर उसके बाद अगर उसमें आराम है तो रिपोर्ट भी अच्छी आएगी ही आएगी। आपको इतनी जल्दी, आपने 9 mm का स्टोन घुला है, आपने मुझे बताया, आपको पता भी नहीं चला, थोड़ा बहुत करके घुल के डिजोल्व होके निकल गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया जी।